नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आज भी बिहार में, आज भी पटना में मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आज भी कई इलाकों में बारिश पड़ने की संभावनाएं बताई जा रही है और सुबह से ही कुहासा जो है वो देखने को मिल रहा है। पटना में सुबह से ही कुहासा लगा है, अभी भी आप देख रहे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कुहासा जो है लगा हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जिसके कारण से जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, बाइक चालक हैं, कार चालक हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज भी बारिश होने की संभावनाएं पूरा राज्य में बना हुआ है। और बात करें अगर कल की, तो कल भी बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। 48 घंटे के अंदर अंदर बिहार में फिर से जो ठंड है उसका कहर देखने को मिल सकता है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मंगलवार को बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। 26 जनवरी के बाद प्रदेश में एक बार फिर से ठंड जो है वो करवट लेगा। राज्य के दक्षिणी हिस्से में कोहरा और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड का आसार बताया जा रहा है। 26 जनवरी के बाद से एक बार फिर से पछिया हवा चलने की संभावनाएं बताई जा रही है, जिससे बोल सकते हैं कि एक बार फिर से ठंड में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। 12 जिलों में बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई में बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। इन जिलों में मंगलवार को बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। बारिश के कारण से इन जिलों में 3 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि कोल्ड डे की स्थिति अभी नहीं बनी हुई है, लेकिन इन जिलों में आपको बता दें कि बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी ओले और बिजली कड़कने की संभावनाएं नहीं बताई जा रही है। 26 जनवरी के बाद से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पछुआ हवा चलने की संभावनाएं बताई जा रही है। पटना के अधिकतम तापमान में भी वृद्धि तेजी से दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री से बढ़कर 22.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फारबिसगंज में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 25.2 डिग्री रहा है। बिहार में सबसे कम तापमान छपरा में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 10.5 डिग्री रहा। सोमवार को छपरा में ठंड देखने को मिला। और बात करें अगर पटना की, तो पटना के तापमान में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से एक बार अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। पटना में सुबह से ही धुंध जो है बना हुआ है, कुहासा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि कई सारी फ्लाइट जो है धुंध और लो विजिबिलिटी के कारण से कल 4 जोड़ा फ्लाइट जो है वो रद्द कर दिया गया, जो बाहर से पटना आने वाले थे। और 4 जोड़े ऐसे फ्लाइट हैं जो अपने समय से लेट पहुंची, जिसके कारण से कई यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। और कई फ्लाइटों के रद्द होने से यातायात जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि मौसम विज्ञान ने अलर्ट किया है कि 26 जनवरी के बाद से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि 26 जनवरी के बाद क्या कुछ बदलाव मौसम में देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया टॉप। धन्यवाद।